नमस्कार, देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर जो देश की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और ऐसे में आप देखिए मणिपुर हिंसा को लेकर जो बिहार की राजनीति है वो भी तेज़ हो गई है। देखिए, राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया और राजद कार्यालय के ठीक सामने ये पोस्टर लगाया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र बताया गया। देख सकते हैं पोस्टर में सीधे सीधे लिखा गया है, कब तक देश की बेटियों का चीरहरण होता रहेगा और आप धृतराष्ट्र की तरह देखते रहेंगे मोदी जी। कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया और उस पोस्टर के जरिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन पर निशाना साधा गया और सीधे तौर पर उनको धृतराष्ट्र बताया गया। देखिए, राजद के नेता हैं भाई अरुण कुमार, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया। आपने पोस्टर लगाया या क्या, कुछ पोस्टर क्यों लगाया आपने? देखिए, पोस्टर का तो संदेश साफ है कि देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार में बेटियां सुरक्षित है। देश की सरकार और डबल इंजन की सरकार जहां जहां भी है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, वहां बेटियां सुरक्षित है और वहां लोगों के साथ, वहां की बेटियों के साथ जिस प्रकार से गलत व्यवहार किया जा रहा है, मणिपुर की घटना इतनी शर्मनाक है कि विश्व में इसका थूथू हो रहा है। और सबसे ज़्यादा थूथू इस बात पर हो रही है कि 70 दिनों के बाद कार्रवाई हुई है, अढ़ाई महीना से ज़्यादा हो गया उसके बाद कार्रवाई हुई। जब देश का सुप्रीम कोर्ट जागा तब वहाँ की सरकार जागती है, तो आप कैसे सरकार हैं भाई? कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और काम आपका क्या है? आपने जो पोस्टर जारी किया है उस पोस्टर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको अपने धृतराष्ट्र बताया है। प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र है और सुप्रीम कोर्ट भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में है, और मणिपुर जल रहा है, इसको बचाने के लिए इंडिया महागठबंधन आगे आ रही। तो क्या आप लोग सड़क पर भी उतरिएगा? क्योंकि आप सड़क पर रोज हो रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ हो रहा है, और ये पूरे देश में आंदोलन चलेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। चलिए, तब देख सकते हैं किस तरीके से, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर जो देश की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई, और ऐसे में अभी बिहार में भी राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है मणिपुर हिंसा को लेकर। आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका चित्र दर्शाया गया है, वो कुर्सी पर बैठे हुए और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र बताया गया, और वहीं देख सकते हैं पीछे सुप्रीम कोर्ट का भी तस्वीर दर्शाया गया और सुप्रीम कोर्ट को श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाते नजर आ रहे हैं, और बीच में जो महिला है वो हाथ जोड़े खड़ी हुई है, और सीधे सीधे इस पोस्टर में लिखा गया है, कब तक देश की बेटियों का चीरहरण होता रहेगा और आप धृतराष्ट्र की तरह देखते रहेंगे मोदी जी। तो कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर राजद कार्यालय के ठीक बाहर राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया, और कहीं ना कहीं उस पोस्टर के जरिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन पर निशाना साधा गया और साफ साफ लिखा गया है कि देश की बेटियों के साथ आखिर कब तक अत्याचार होते रहेगा, और जो प्रधानमंत्री है आखिर कब तक धृतराष्ट्र बनकर ये सब देखते रहेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।